वेलकम ऑल, लेट अस स्टडी फोर्थ चैप्टर एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। एट स्टैंडर्ड का मैथ्स का फोर्थ चैप्टर है एल्टीट्यूड्स एंड मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। तो लेट अस स्टार्ट। इसमें थोड़ा सा रिकॉल किया है सेवन्थ स्टैंडर्ड का, इसमें एंगल बाइसेक्टर को एक्सप्लेन किया है सेवन्थ स्टैंडर्ड में जो स्टडी किया था हमने, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। तो लेट अस रिवाइज लिटिल बिट ऑफ सेवन्थ स्टैंडर्ड। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर मींस जैसे हम एक एंगल ड्रॉ करते हैं और उस एंगल के बीच में से एक लाइन जो पास होती है वो ड्रॉ करते हैं, इसी लाइन को एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल है एंगल ए बी सी, तो ये एंगल के बीच में से एक बाइसेक्टर पास हो रहा है, ये जो बी से पास हो रहा है वो बाइसेक्टर है, उसी को एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का था तो इसने 30 डिग्री और 30 डिग्री में इसको डिवाइड कर दिया है टू इक्वल पार्ट्स में, तो इसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। सेवन्थ स्टैंडर्ड में एंगल बाइसेक्टर का स्टडी किया था, बहुत इजी है। कैसे ड्रॉ करना है वो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले एक एंगल बनाना है, फिर यहाँ पे कंपास रख के पॉइंटर रख के आंख मारना है पेंसिल से, ऐसे दो आंख सेम मेजर के लेस देन हाफ लेके, फिर यहाँ पे रख के थोड़ा सा पॉइंटर एक्सटेंड करके एक आग यहाँ मानना है, फिर यहाँ पे रख के एक आग यहाँ मानना है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगा ये सेंटर पकड़ के, तो इसको हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। तो ऐसे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये एट स्टैंडर्ड का पोर्शन नहीं है, ये सेवन्थ स्टैंडर्ड का है, बट फॉर नॉलेज गेन यहाँ पे रिकॉल किया है तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू। तो ऐसे हो गया एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो रहा है। इन अ प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैड लर्न दैट एंगल बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एज वेल एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और सेवन्थ स्टैंडर्ड में हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी सीखा था। ये एंगल बाइसेक्टर है, जैसे ये एंगल का है वैसे ट्राइंगल का भी बाइसेक्टर हम बना सकते हैं। पूरे ट्राइंगल का यहाँ से भी बनेगा, यहाँ से भी बनेगा और यहाँ से भी बनेगा, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा ट्राइंगल का। तब ट्राइंगल के बेस पे भी ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दूसरा जो टेक्स्ट बुक में है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड का बनता है, एंगल का नहीं, साइड। जैसे ये साइड है, इसका मेजर फॉर एग्जाम्पल 6 सेंटीमीटर है, तो अब ये साइड को मुझे बाइसेक्ट करना है 90 डिग्री के बेस पे, तो यहाँ पे मुझे पॉइंटर रखना होगा, कंपास रखना होगा और पेंसिल से मोर देन हाफ लेके एक आंख यहाँ से आएगा, फिर दूसरा आंख यहाँ से आएगा, वैसे ही सेम नीचे दो आंख आएंगे और ऐसे हमें ड्रॉ करना है। तो ये मैं रफ में इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये सेवन्थ स्टैंडर्ड का पोर्शन है। तो यहाँ पे 90 डिग्री मिल जाएगा, मतलब ये लाइन का मेजर अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ऐसे। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो 90 डिग्री होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हमने दोनों एक्सप्लेन कर दिया है, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्योंकि ये मेन एम नहीं है एट स्टैंडर्ड में, हमको इसका जो हायर वर्जन है वो दिया हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट विद एट स्टैंडर्ड। ये हमारी सेवन स्टैंडर्ड का रिविजन था। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबको समझ में आ गया, ये साइड को डिवाइड करेगा। एंगल बाइसेक्टर एंगल को डिवाइड करेगा। जब साइड को डिवाइड किया जाएगा 90 डिग्री में तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिस इज अवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड दिस इज अवर एंगल बाइसेक्टर। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है। तो ऐसे हमें इसको सीखना है, एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेट अस गो फर्दर एंड स्टार्ट अवर एट स्टैंडर्ड पोर्शन। तो यहाँ पे एट स्टैंडर्ड के पोर्शन में टेक्स्ट बुक में हम देख सकते हैं, सबसे पहले हमें एल्टीट्यूड सिखाया है कि व्हाट इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड होता क्या है। तो एल्टीट्यूड क्या होता है? द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑन अ साइड ऑपोजिट टू इट is called an altitude of a triangle। यहाँ हम बाजू में डायग्राम देख सकते हैं, a perpendicular segment drawn from a vertex।
वर्टेक्स बोलते हैं एंगल के कॉर्नर को, कॉर्नर। तो जैसे ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, तो ये एंगल का जो कॉर्नर होता है, ट्राइंगल का जो कॉर्नर होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, ट्राइंगल का कॉर्नर। तो ट्राइंगल के कॉर्नर को वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहां पे बोला है अ परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल। वर्टेक्स से एक सेगमेंट ड्रॉ करो जो परपेंडिकुलर हो ऑपोजिट साइड। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं परपेंडिकुलर सेगमेंट, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑन द साइड ऑपोजिट टू इट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम वर्टेक्स एक लाइन ड्रॉ करेंगे उसके ऑपोजिट साइड पे। तो यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ होगा ऑपोजिट साइड पे, तो यहाँ हम देख सकते हैं वर्टेक्स ए से एक लाइन आ रहा है और पी पे टच हो रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब एपी परपेंडिकुलर है बीसी को, है ये एल्टीट्यूड है। तो इन ट्राइंगल एबीसी सेग एपी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ द बेस बीसी, तो ये इसका एल्टीट्यूड है। तो यहाँ पे हमें एल्टीट्यूड क्लियर क्या है, एल्टीट्यूड होता है ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल टू द ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल, मतलब इट शुड बी अ परपेंडिकुलर, इट शुड बी अ परपेंडिकुलर सेगमेंट। यहाँ पे हम लाइंस देख सकते हैं। तो एल्टीट्यूड आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। यहाँ पे हम देख सकते हैं सेट स्क्वायर का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम प्रोटेक्टर यूज नहीं करना चाहते तो सेट स्क्वायर से भी हम 90 डिग्री मेजर करके निकाल सकते हैं। लेट अस गो फर्दर। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक और चीज जो एल्टीट्यूड की हेल्प से क्रिएट होती है। तो द थ्री एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब थ्री एल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर लेंगे, जैसे ऊपर जो ट्राइंगल था उसमें एक ही एल्टीट्यूड बनाया हुआ था, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक ही एल्टीट्यूड बनाया हुआ था, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं तीन एल्टीट्यूड बनाए हुए, एक से एक एल्टीट्यूड जा रहा है, एक वाई से जा रहा है और एक जेड से जा रहा है। तो यहाँ पे तीन एल्टीट्यूड ड्रॉ हुए हैं, ये तीन एल्टीट्यूड एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो है पॉइंट ओ। तो ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलेंगे। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसको क्या बोल रहे हैं, उसको ऑर्थो सेंटर बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो लाइंस ड्रॉ हुई है ये किस बेस पे ड्रॉ हुई है, ये इसका बेस जो है ड्रॉ का वो एल्टीट्यूड है। ये जो सेंटर मिला है वो एल्टीट्यूड के हेल्प से मिला है, इसीलिए इसको ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। तो यहां पे हमने दो पॉइंट क्लियर किया है, नंबर वन एल्टीट्यूड, नंबर टू ऑर्थो सेंटर। जब किसी ट्राइंगल के अंदर तीन एल्टीट्यूड ड्रॉ किए जाएंगे तो वो एक जगह मीट हो गए, वो पॉइंट को जहां वो मीट हो रहे हैं, जहां वो ज्वाइन हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। यू हैव टू कीप इन माइंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन थ्री एल्टीट्यूड्स आर ड्रॉन इन अ ट्राइंगल दे मीट इन अ वन पॉइंट, एक पॉइंट में वो मीट करेंगे, दे मीट इन अ वन पॉइंट, दैट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होगा उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। तो आई होप यू ऑल आर गेटिंग क्लियर अबाउट एल्टीट्यूड। पेज नंबर 20 पे एक्सप्लेनेशन दिया है टेक्स्ट बुक में। मीडियन क्या होता है, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन मतलब वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ होगा लेकिन वो 90 डिग्री फ्रेम नहीं करेगा, वो मिड पॉइंट पे जाके टच होगा, मतलब किसी भी जो ऑपोजिट साइड पे जो सेगमेंट है उसके मिड पॉइंट पे जाके टच होगा, उसको हम बोलेंगे मीडियन। जैसे मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल रफ वर्क किया है, तो ये ट्राइंगल, ये जो लाइन है, ये जो साइड है, इसका मेजर है 6 सेंटीमीटर, और अगर मैं इसका जैसे मिड पॉइंट है, जैसे मैं ले रहा हूं ये इसका मिड पॉइंट है, जैसे मैंने इसको 3 और 3 दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो ये इसका मिड पॉइंट है। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ होगा ये वर्टेक्स से और ये इसके मिड पॉइंट पे जाके टच होगा,
तो इसको ये 90 डिग्री नहीं है, ये मिड पॉइंट पे टच हो रहा है, तो इसको हम मीडियन बोलेंगे, मीडियन। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ पी क्यू आर, और यहाँ से मैं पी टी करके यहाँ पे एक मीडियन हो गया पी टी। अब मुझे इसमें 90 डिग्री भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपना सेट स्क्वायर रख के 90 डिग्री भी ले सकता हूँ, तो 90 डिग्री ऐसे लाइन आएगा 90 डिग्री। तो अब मैं इसका नाम दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल पी ओ। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जैसे ये पी टी जो है वो मिड पॉइंट पे जाके ज्वाइन हो रहा है, तो पी टी मीडियन है और पी ओ एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड इसीलिए इसके पास 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, तो ये एल्टीट्यूड हो गया, और ये मिड पॉइंट पे जाके टच हो रहा है, इसीलिए ये मीडियन है। तो पी टी इज अ मीडियन एंड पी ओ इज द एल्टीट्यूड, पी ओ इज द एल्टीट्यूड, दोनों ऑपोजिट ऑपोजिट साइड पे टच हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मीडियन सिखाया गया है, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड, सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट, ये दोनों का बीच का पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, ये दोनों को ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो एफ डी यहाँ पे हम देख सकते हैं, सेग एफ डी इज अ मीडियन, सेग एफ डी इज द मीडियन ऑफ बेस एच सी। तो ये हमें क्लियर हो गया है मीडियन क्या होता है। मीडियन वर्टेक्स से ड्रॉ होगा, लेकिन वो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करेगा। तो ये हो गया हमारा मीडियन। अब मीडियन का एक कॉन्सेप्ट बनता है, यह हम देख सकते हैं उसका एक्सप्लेनेशन, द पॉइंट। अभी समझो, फॉर एग्जाम्पल हमने एक ट्राइंगल लिया है, और ट्राइंगल के सारे वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ किया है, सारे वर्टेक्स से, जैसे बी से एक मीडियन ड्रॉ किया है, ए से एक मीडियन ड्रॉ किया है, सी से एक मीडियन ड्रॉ किया है, तो सारे जो मीडियन है वो एक जगह मीट हो गए, वो पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, वो पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं। देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, इट इज डिनोटेड बाय जी। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सेंट्रॉइड है। तो ये हमने फोर्थ पॉइंट सीखा है कि मीडियन से जो पॉइंट इंटरसेक्शन वाला पॉइंट मिलता है, जो कॉन्करेंस पॉइंट मिलता है मीडियन के हेल्प से, उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, सेंट्रॉइड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है रफ डायग्राम से, क्योंकि बाद में हमें प्रैक्टिस सेट में इसको नेट क्लियरली कंपास यूज करके करेंगे। तो अभी लेफ्ट जस्ट मैंने ऐसे रफ ड्रॉ किया है, तो ये एक ट्राइंगल है। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल इसका नेमिंग दिया है ए बी और सी। अब मुझे बी से एक मीडियन ड्रॉ करना है, बी से, वर्टेक्स बी से, तो वर्टेक्स बी से एक मीडियन ड्रॉ करना है साइड ए सी पे, सेग ए सी पे, तो ए सी का मुझे मिड पॉइंट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये इसका मिड पॉइंट है, तो मैं बी से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, वो ए यहाँ पे टच होगा। तो ये हो गया बी, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर एक्स दे रहा हूं, तो बी एक्स मेरा मीडियन है, बी एक्स मीडियन है। अब मुझे सी से मीडियन ड्रॉ करना है, तो सी से मैं मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं, तो मुझे इसका मिड पॉइंट लगेगा ए बी का, तो मुझे स्केल रख के इसका मिड पॉइंट निकाल लेना है, तो मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया। अब मुझे सी से एक लाइन ड्रॉ करना है, सी वर्टेक्स है, तो यहां से जो लाइन ड्रॉ होगा वो यहां पे आके टच होगा, तो ये हो गया इसका मिड पॉइंट। ऐसे मैंने दो 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 मीडियन ड्रॉ कर लिए, एक है बी एक्स और एक है सी वाई, तो मैंने एक और नेमिंग दिया है सी वाई। अब मुझे ए से मीडियन ड्रॉ करना है, वर्टेक्स ए से, वर्टेक्स मतलब कोना होता है, ये कोने से मुझे मीडियन ड्रॉ करना है, तो मुझे इसका सेंटर लगेगा, मतलब इसका मिड पॉइंट, तो मुझे स्केल रख के इसका मिड पॉइंट लेना है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आएगा मिड पॉइंट। तो अब मुझे यहाँ से स्केल रख के इसको ज्वाइन करना है इसके मिड पॉइंट पे, तो यहाँ पे मैंने जैसे इसका नेमिंग जेड दे दिया, तो ए जेड मेरा जो है वो मीडियन है, मीडियन मतलब मिड पॉइंट से बन रहा है। यहाँ पे किसी भी 90 डिग्री नहीं है, ये एल्टीट्यूड नहीं है, मीडियन है। अब देख सकते हैं हम तीनों मीडियन जहां पे मीट हो रहे हैं, जहां ज्वाइन हो रहे हैं, वो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलेंगे, सेंट्रॉइड। क्यों इसे सेंट्रॉइड बोल रहे हैं, क्योंकि ये मीडियन की हेल्प से बना है, और जो एल्टीट्यूड की हेल्प से बनेगा उसे हम ऑर्थो सेंटर बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर, एल्टीट्यूड की हेल्प से। मीडियन की हेल्प से बनने वाले को सेंट्रॉइड बोलते हैं, सेंट्रॉइड।
तो वी आर गेटिंग क्लियर अबाउट द फोर पॉइंट्स, फोर चीजें हमें यहाँ समझ में आई है. नंबर वन एल्टीट्यूड, नंबर टू ऑर्थो सेंटर, नंबर थ्री मीडियन, नंबर फोर सेंट्रॉइड. तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया है, जैसे एल्टीट्यूड से ऑर्थो सेंटर बनेगा, एल्टीट्यूड अगर इंटरसेक्ट हो गए तो ऑर्थो सेंटर बनेगा, और अगर मीडियन इंटरसेक्ट हो गए तो सेंट्रॉइड बनेगा. तो हर ट्रायंगल के अंदर अगर एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब 90 डिग्री वाला फॉर्मिंग हो रहा है, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री वाला फॉर्मिंग हो रहा है, तो इसका जो सेंटर है वो ऑर्थो सेंटर है. और जहाँ पे मीडियन मतलब मिड पॉइंट वाला बन रहा है, 90 डिग्री नहीं है, तो ऐसे वाले को सेंट्रॉइड बोलेंगे. तो वी आर गेटिंग क्लियर दिस. तो लेट अस स्टार्ट अवर प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1. यहाँ पे हम हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 देख सकते हैं. 4.1, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. इन ट्राइंगल एल एम एन डैश इज एन एल्टीट्यूड. यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है एल एम एन, एल्टीट्यूड यहाँ पे बोला है, डैश इज एन एल्टीट्यूड. तो हमें एल्टीट्यूड कौन सा है इसमें से बताना है. एंड डैश इज एन मीडियन, और मीडियन कौन सा है वो बताना है. राइट द नेम ऑफ अप्रोप्रिएट सेगमेंट, मतलब जो रिक्वायर्ड है वहाँ पे अप्रोप्रिएट सेगमेंट का नाम लिखना है, जो जैसे रिक्वायर्ड है. तो यहाँ पे पहले पूछा है एल्टीट्यूड. तो एल्टीट्यूड हमने एल्टीट्यूड का डेफिनेशन पढ़ा था. एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड मतलब लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल. लाइन मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑन द ऑपोजिट साइड, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड. तो ये हमारा एल्टीट्यूड है एल एक्स, एल एक्स हमारा एल्टीट्यूड है, एल एक्स हमारा एल्टीट्यूड है. तो हम यहाँ पे एल एम एन, जैसे इन ट्राइंगल एल एम एन डैश इज एन एल्टीट्यूड, डैश इज एन एल्टीट्यूड मतलब सेग एल एक्स, सेग एल एक्स इज एन एल्टीट्यूड, ऐसे आएगा यहाँ पे आंसर. नेक्स्ट है एंड डैश इज अ मीडियन. तो मीडियन पूछा है मुझे, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री था, एल एक्स एल्टीट्यूड था. अब हम देख सकते हैं एम और एन का मिड पॉइंट जो है वो वाई है, वाई बीच वाला पॉइंट वाई. तो हम देख सकते हैं एल से लाइन यहाँ पे आ रहा है वाई तक. तो जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम द वर्टेक्स लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल. तो ये जो लाइन है एल वाई ये मीडियन है. तो यहाँ पे आएगा सेग एल वाई इज अ मीडियन. तो ये हमारा फर्स्ट सम का एक्सप्लेनेशन है. फर्स्ट जो है एल एक्स एल्टीट्यूड है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं एल एक्स एल्टीट्यूड. और ये मिड पॉइंट से कनेक्टेड है, मिड पॉइंट से जॉइन है, तो एल वाई, एल वाई मीडियन है. तो सेग एल वाई इज अ मीडियन. तो ऐसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ईजी और सिंपल है. सेकेंड क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन. ड्रॉ एन अक्यूट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, ड्रॉ ऑल इट्स एल्टीट्यूड, नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एस ओ. 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन है. इसमें पहले हमें एक अक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाना है, मतलब सबसे पहले स्टेप में हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद उसके एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. लेट अस टेक वन पेपर, हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना है 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और एक हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. सबसे पहले मैंने पेन से ड्रॉ किया है, यू कैन यूज पेंसिल, एग्जाम में पेंसिल यूज करना है, तो यहाँ पे शार्प दिखेगा इसीलिए पेन यूज़ किया है. तो सबसे पहले हमें 5-6 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लेना है. तो यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ किया है, उसके बाद
कंपस लेना है, कंपस में ये जो 6 सेंटीमीटर है वो ले लेना है, और उससे एक आर्क ट्राइंगल के ऊपर के साइड पे एक आर्क मार लेना है, और वैसे ही दूसरे साइड पे रख के सेम मेजर से एक और आर्क मार लेना है। तो हमें एक पॉइंट ऊपर मिल जाएगा, वो पॉइंट को ज्वाइन करने से ट्राइंगल हमारा ड्रॉ हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल बनाना है। तो ऐसे ट्राइंगल हम कोई भी मेजर से बना सकते हैं। ऐसे मैंने 6 सेंटीमीटर का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, अक्यूट मतलब ये 90 डिग्री से कम वाला ट्राइंगल है, ऐसे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है, नंबर वन। नंबर टू, हमें अब एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो इसका नेमिंग हमें दिया हुआ है पी क्यू आर। क्वेश्चन में जैसे हमें दिया था ड्रॉ एन अक्यूट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, तो हमने वो ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, ट्राइंगल पी क्यू आर। अक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम है। अब हमें इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो हमें वर्टेक्स पी से अब एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो वर्टेक्स पी पे हमें अपने पॉइंटर का जो है पॉइंट रखना होगा कंपास का, और सामने वाले ऑपोजिट लाइन के ऊपर आर्क मारना है, ऑपोजिट लाइन पे। तो हम वो आर्क ड्रॉ करेंगे ऑपोजिट लाइन पे, इजली हमें वो आर्क ड्रॉ करना है ऑपोजिट लाइन। तो यहाँ हम ऑपोजिट लाइन पे देख सकते हैं, ऐसे एक आर्क मार लिया एक साइड पे, वैसे ही दूसरे साइड पे एक और आर्क हमें पुट इन करना है। तो ऐसे मैंने आर्क मार लिया, तो ये हो गया आर्क। तो ऐसे मुझे आर्क ड्रॉ करना है ऑपोजिट साइड पे, एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए पी पे अपना पॉइंटर रखना है, ऑपोजिट साइड पे आर्क मारना है। फिर जो ये आर्क हमने मारा है उसकी हेल्प लेना है, वो आर्क जहाँ लाइन में इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ अपने पॉइंटर के पॉइंटर को रखना है, और थोड़ा सा पॉइंटर को छोटा कर लेना है कंपास को, और एक और आर्क ये लाइन के नीचे साइड पे एक आर्क हमें वहाँ पे यूज करना है। तो ऐसे मैंने एक आर्क मारा है, सेम पॉइंटर का मेजर उठा के दूसरे साइड पे यूज करना है और उधर पे एक आर्क मारना है। तो ऐसे कुछ ये डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। अब हमें ये पॉइंट मिल गया है, ये पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर लेना है स्केल रख के। तो स्केल रख के वी आर ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, विल गेट अवर फर्स्ट एल्टीट्यूड। तो ऐसे मुझे मेरा फर्स्ट एल्टीट्यूड ड्रॉ हो जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट एल्टीट्यूड है, यहाँ पे 90 डिग्री साइन आएगा। तो ऐसे हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो ये मेरा फर्स्ट एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया। तो ऐसे पी से फर्स्ट एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा। सेम मेथड से मुझे क्यू से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, सेम मेथड से। तो अब मैं क्यू पे यहाँ पे पॉइंटर रख रहा हूँ क्यू पे, और मुझे ऑपोजिट साइड पे आर्क मारना है। तो पहले अच्छे से सेट करना है, आर्क लाइन पे कट होना चाहिए, तो इसीलिए एक बार रफ में सेटिंग चेक करके फिर आर्क मारना है। तो ऐसे मैंने पहला आर्क मार लिया है, एक और आर्क मुझे मारना है। तो दोनों आर्क मैंने मार लिया, ये लाइन पे दो आर्क आ गए। अब मुझे यही आर्क पे अपना कंपास का पॉइंटर रखना है, और मुझे एक और आर्क थोड़ा सा छोटा करके पॉइंटर को, नो मैटर एनी व्हाट द मेजर, कुछ भी मेजर हो नो प्रॉब्लम, थोड़ा छोटा करके आर्क को, अब वो जो मैंने पॉइंट लिया है जो आर्क लाइन पे मारा था उससे एक नया आर्क हम ड्रॉ करेंगे। सेम मेजर उठाना है, मेजर चेंज नहीं होना चाहिए। फिर दूसरे साइड से एक और आर्क उसके ऊपर मार लेंगे, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट को ये पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे हम। तो ये हमारा सेकेंड एल्टीट्यूड ड्रॉ हो रहा है, सेकेंड एल्टीट्यूड अच्छे से नीट वर्क होना चाहिए। तो ऐसे मेरा सेकेंड एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का साइन आएगा। ये हमारा सेकेंड एल्टीट्यूड है जो क्यू से ड्रॉ हो रहा है, क्यू से। तो मैंने एक और एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया है, अब मैंने पी से एक एल्टीट्यूड बनाया है, एक क्यू से बनाया है, अब एक आर से एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा। तो आर पे मुझे रखना है अपने कंपास के पॉइंट को, आर पे रखना है, और उसका ऑपोजिट साइड, जैसे इसका ऑपोजिट साइड क्यू पी है, तो क्यू पी के ऊपर आर्क मारना है।
मेजरमेंट एक बार रफ में चेक करना है, लाइन पे कटिंग होना चाहिए तो वो चेक कर लेना है हमें, फिर उसके बाद आर्क मारना है। तो देखो लाइन पे ऑपोजिट साइड पे कटिंग आ रहा है या नहीं, ये मुझे चेक करना है। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा छोटा कर लेना है, फिर आर्क मारना है। तो ये मैंने फर्स्ट आर्क मारा, फिर ये मैंने एक और आर्क मार लिया, तो दोनों आर्क मैंने मार लिए है। अब वो आर्क से मुझे और दो आर्क मारना है जिससे मुझे इंटरसेक्टिंग लाइन मिल जाए। तो ये मैंने थोड़ा सा पॉइंटर का साइज छोटा किया है, फिर मैं एक आर्क यहाँ पे मार रहा हूँ, फिर सेम मेजर चेंज नहीं होना चाहिए। जो दूसरा आर्क था वहाँ से मैं एक और आर्क मार रहा हूँ, तो ऐसे मैंने एक और पॉइंट मिल गया है। अब मैं आर से यहाँ पे आर से ड्रॉ कर लूँगा, आर से एल्टीट्यूड में ड्रॉ कर रहा हूँ आर से। तो ये मेरा थर्ड एल्टीट्यूड है, आर से मुझे एकदम नीटली सिंपल है एकदम से ड्रॉ करना है, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर साइन देना है क्योंकि ये एल्टीट्यूड है। तो ऐसे हम देख सकते हैं मेरे तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट में मीट हो रहे हैं। ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये तीनों एल्टीट्यूड मीट हो रहे हैं, यही पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। हम यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं, हमें बोला गया था कि नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज ओ। ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है जहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड मीट हो रहे हैं, इसका नेमिंग हमें ओ रखने बोला गया है। तो मैं इसका नेमिंग ओ लिखना है यहाँ पे ओ। तो ये हो गया मेरा एल्टीट्यूड, ऐसे मुझे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने यहाँ सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर टू हम ऐसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस सेट 4.1। तो ऐसे हमें ड्रॉ करना है, स्टार्ट से सारे स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला ट्रायंगल ड्रॉ करना है, फिर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। सारे एल्टीट्यूड ड्रॉ होने के बाद मुझे जो एल्टीट्यूड सारे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलेंगे। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब ये एल्टीट्यूड के हेल्प से ये पॉइंट बना है, मिला है हमें, तो इसको हम ऑर्थो सेंटर बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। तो ये अक्यूट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है, बट हमें ऑर्थो सेंटर के बारे में ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है। हमें सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ओ, तो वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो दिस इज अवर सेकेंड क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन। ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रॉइड। हमें अब एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ऊपर हमने सेकेंड क्वेश्चन में अक्यूट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया था, थर्ड क्वेश्चन में ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रॉइड। इसमें हमें मीडियन ड्रॉ करना है और उसका सेंट्रॉइड बताना है। ऊपर वाले सब में हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बताना था, वो हमने किया था, बट उसका उसको जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसको ऑर्थो सेंटर भी बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। अब यहाँ पे हमें सेंट्रॉइड ड्रॉ करना है, मतलब मीडियन का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस रहेगा। तो इसमें भी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आता है, इसमें भी आता है, बट ऊपर जो है वो ऑर्थो सेंटर है, और अब जो हम ड्रॉ करेंगे वो सेंट्रॉइड रहेगा क्योंकि वो मीडियन रहेगा। ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था, अब मीडियन ड्रॉ करना है। मीडियन ड्रॉ करने का मेथड क्या है, लेट अस सी, लेट अस ड्रॉ मीडियन। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जो ऑप्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, मतलब ऑप्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो 90 डिग्री से ज़्यादा हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक ट्राइंगल के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेना है सबसे पहले। सिक्स सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लिया या 5 सेंटीमीटर का। अब उसमें हमें 90 डिग्री से ज्यादा मेजर लेना है। तो यहाँ पे हमने रख लिया है, अब यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा मेजर चाहिए मुझे, मेजर लेना है। तो यहाँ पे मैं 110 डिग्री का ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैंने 110 डिग्री लिया है, 90 से ज़्यादा लिया है। तो
90 से ज़्यादा मुझे लेना है और 110 डिग्री का यहाँ पे जैसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया एक ट्राइंगल ऐसे करके, मुझे यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, तो मेरा एक ट्राइंगल रेडी हो जाएगा। ऐसे मुझे सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है, तो मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा ट्राइंगल देख सकते हैं 110 डिग्री का ट्राइंगल है, तो इसका नेमिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्रॉ ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल STV, तो इसका नेमिंग हम कर देते हैं STV। तो ऐसे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है। अब हमें मीडियन ड्रॉ करना है। मीडियन कैसे ड्रॉ होता है, बहुत ईजी है। हर लाइन को, जैसे ये जो लाइन है, इसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालना होगा। अगर हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो हम मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। तो हम कंपास के यूज से, ये कंपास के यूज से भी हम मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, एज वेल एज डायरेक्ट स्केल से हम मेजर लेके उसका मिड पॉइंट निकाल के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मिड पॉइंट निकालना है, तो लेट अस फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ TV। तो TV का जो सेंटर पॉइंट है वो ढूंढना है, तो इसीलिए हमें सबसे पहला इससे मोर देन हाफ लेना होगा। तो मोर देन हाफ मैंने लिया, मोर देन हाफ लेके इसकी जो आर्क है वो यूज करना है। तो मैंने एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, वैसे लाइन के ऊपर और नीचे एक एक आंख मार लेना है। फिर सेम मेजर टी पे रखना है, टी पे रख के मुझे वहाँ पे जो आग मारा हुआ था उसके ऊपर से कटिंग लेना है। तो ये मैंने आग की कटिंग लिया है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीचे जो आग था वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो फिर से मैं वो आग को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ। सेम मेजर पे आके उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, तो मैंने ये आग एक्सटेंड कर दिया है। तो अब मुझे ये दोनों जो पॉइंट मिला है लाइन के ऊपर और नीचे, दोनों को ज्वाइन कर लेना है। तो ऐसे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ दोनों लाइन को, तो यहाँ पे इसे मैं पेंसिल से या तो फिर डॉट डॉट रख के इसे ड्रॉ करूँगा, तो तुम्हें इसका जो डिफरेंस है वो क्लियरली समझ में आएगा। तो ऐसे मैं इसे पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ इसीलिए कि तुम्हें इसमें जो डिफरेंस है वो समझ में आएगा। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, तो मुझे ये पॉइंट जो मिल रहा है ये मिड पॉइंट है TV का। TV जो है उसका मिड पॉइंट है ये TV। तो ऐसे मुझे इसका मिड पॉइंट मिल गया TV का। अब मुझे दूसरे सेगमेंट का मिड पॉइंट ढूंढना है, जैसे ST का। तब मैंने डायग्राम को थोड़ा सा टर्न कर लिया है, अब मैं ST का मिड पॉइंट ढूंढ रहा हूँ। तो सेम मेजर यहाँ पे रखना है, मोर देन हाफ लेना है, आधे से थोड़ा ज़्यादा, ये सेगमेंट का जो आधा होता है उससे थोड़ा ज़्यादा लेना है, अंदाजे से ले सकते हैं हम। और एक आँख ऊपर के साइड और एक आँख नीचे के साइड मुझे मारना है। तो यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा कंजेशन हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा और बड़ा करके ये आँख मार रहा हूँ। तो ये एक आँख ऊपर मार लिया, ये एक आँख नीचे मारा है लाइन के ऊपर एक आँख मारना है और लाइन के नीचे एक आँख। सेम मेजर मुझे उठा के यहाँ रखना है, यहाँ रख के ऊपर एक आँख और सेम मेजर से नीचे एक आँख मारना है। तो ऐसे मैंने लाइन के ऊपर और नीचे दो आँख मार लिया है। अब दोनों को मुझे ज्वाइन कर लेना है, अच्छे से मुझे रख के ज्वाइन करना है। अगर आँख छोटे पड़ रहे होंगे तो हम उसको वापस से लेके आँख बड़ा कर लेना है। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, तब मुझे फिर से एक और सेंटर मिल गया है। पेंसिल से ड्रॉ किया, एक और सेंटर मुझे मिल रहा है। तो मैंने मिड पॉइंट ढूंढ लिया है, दो मिड पॉइंट मुझे मिल गए, एक ST का ढूंढा और एक TV का। तो ऐसे मैंने दो मिड पॉइंट ढूंढ लिए। अब मुझे एक और मिड पॉइंट चाहिए, वो है SV का। SV, तो SV का मुझे मिड पॉइंट चाहिए होगा, लेकिन उससे पहले जो दो मिड पॉइंट मिले हैं उसका मैं मीडियन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे TV का जो मिड पॉइंट मिला था उसको मैं पहले ज्वाइन कर रहा हूँ S से।
तो यहाँ पे मैं एस से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये मेरा मीडियन होगा, पहला मीडियन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एस से जो ड्रॉ होगा, तो ये मेरा पहला मीडियन ड्रॉ हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये मेरा एस से लेके ऑपोजिट साइड पे मीडियन, मीडियन मिड पॉइंट पे आता है, पहले मैंने मिड पॉइंट ढूंढा, फिर जो वर्टेक्स है एस वहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया है मिड पॉइंट तक, तो इसको हम मीडियन बोलेंगे। तो मैंने पहला मीडियन ड्रॉ किया है। अब मुझे जब जो दूसरा मिड पॉइंट मिला है, तो मैं वी से दूसरा मीडियन ड्रॉ कर सकता हूँ, तो मैं वी पे रख रहा हूँ और एक और मीडियन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मीडियन नंबर टू। तो ये मैंने मीडियन नंबर टू ड्रॉ कर लिया है, मीडियन नंबर टू। तो ऐसे दो मीडियन मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। अब मुझे एक और साइड बचा हुआ है, जैसे एस वी, तो एस वी का पहले मुझे मिड पॉइंट निकालना होगा। तो मिड पॉइंट निकालने का मेथड सेम है, मुझे मोर देन हाफ लेना है एस वी का, आधे से थोड़ा ज़्यादा लेना है, ऊपर एक आँख मारना है लाइन के और नीचे एक आँख मारना है लाइन के। सेम मेजर एस पे लेना है, एस पे रख लिया, ऊपर एक आँख मारना है और नीचे एक आँख मारना है। तो हम देख सकते हैं दोनों आँख कटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, वो पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे दोनों पॉइंट को। तो ऐसे मैंने नीटली दोनों पॉइंट को पेंसिल की हेल्प से ज्वाइन कर लिया है, ऐसे पॉइंट ज्वाइन कर लिया। तो अब मुझे एस एस वी का मिड पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे एस वी, तो ये मिड पॉइंट मुझे मिल रहा है एस वी। तो ये सारे मिड पॉइंट का मैं नेमिंग दे सकता हूँ, जैसे मैंने इसका नेमिंग दिया है, ये ए है, ये मिड पॉइंट बी है और ये मिड पॉइंट सी है। तो अब मैं जो यहाँ पे बी जो मिड पॉइंट आया है, तो मुझे टी से एक मीडियन बनाना चाहिए, तो मैं को टी पे मैं रख रहा हूँ और ये बी जो मिड पॉइंट है वहाँ से एक मीडियन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे। थोड़ा सा हमारा क्रॉस गया है पॉइंट, ठीक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से मैं मीडियन ड्रॉ कर लूँगा, मेरे को यहाँ पे T से ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे जो सेंटर मिलेगा, ये जो सेंटर है, तीनों मीडियन ज्वाइन होने के बाद जो सेंटर मिल रहा है, इसी को हम सेंट्रॉइड बोलेंगे, सेंट्रॉइड। जब तीनों मीडियन एक ही जगह ज्वाइन हो जाते हैं तो उसको सेंट्रॉइड बोलेंगे। ये थोड़ा सा हमने डबल लाइन आ गया है, लेकिन ड्रॉ करने पर वो बराबर सेंटर से ज्वाइन होगा ऐसे। तो ये हमारा सेंट्रॉइड है, ऐसे हमें सेंट्रॉइड ड्रॉ करना है। इसको हम इजी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने कंपास की यूज से ड्रॉ किया है, मिड पॉइंट निकालने के बाद सारे मिड पॉइंट से मीडियन ड्रॉ किया है और सारे मीडियन जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसी को हम जो मिड पॉइंट जहाँ ज्वाइन हो रहे हैं सारे मिड पॉइंट उसी को हम मीडियन बोलेंगे। तो ये मीडियन है, तो मीडियन के बेस पे हमें सेंट्रॉइड मिल गया है। तो जैसे यहाँ पे बोला गया था सेंट्रॉइड की नेमिंग क्या होगी, ड्रॉ द मीडियन एंड शो द सेंट्रॉइड, सिर्फ हमें सेंट्रॉइड ड्रॉ करना था। तो मीडियन ड्रॉ करके हमने सेंट्रॉइड ड्रॉ कर लिया। अब यही सम हम दूसरे मेथड से करेंगे, कंपास यूज नहीं करेंगे, सिंपल मेथड से सेम सम हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहला एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो मैं एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले मोर देन हमें 90 डिग्री लेना है, तो मैंने मोर देन 90 डिग्री, जैसे इसका मेजर मैंने 6 सेंटीमीटर लिया है, तो हम 6 सेंटीमीटर का एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे। तो हमें इसका जो मोर देन 90 डिग्री मतलब 110 डिग्री में ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 110 डिग्री से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए, और यहाँ पे ये दोनों को टच करने पर मेरा एक ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है। तो ये मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। अब इसका नेमिंग है, जैसे क्वेश्चन में दिया है एस टी वी, तो इसका नेमिंग हम कर रहे हैं एस टी वी।
अब हमें शॉर्टकट मेथड मतलब इजी मेथड से डायरेक्टली जो है इसका मीडियन ढूंढना है, तो हमें यहाँ पे 6 था, तो 6 का जैसे हम ले गए, 6 का जो सेंटर होता है वो 3 होता है, तो हम 3 पे एक डॉट डालें, तो ये 3 हो गया। तो ऐसे में पहला मीडियन मेरा ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ऐसे मैंने अपना एक पहला मीडियन ड्रॉ कर लिया, ये मीडियन। तो ये मिड पॉइंट से जो वर्टेक्स से लाइन आएगा उसको मीडियन बोलेंगे। अब मैंने एस टी वी का मिड पॉइंट निकाला है, वैसे मुझे एस टी का भी मिड पॉइंट निकालना है, तो एस टी का मेजर हमें देखना रहेगा। एस टी का मेजर एग्जैक्टली 6 है, तो इसका भी जो सेंटर रहेगा वो मीडियन रहेगा, सेंटर 3 पे आएगा। तो मैंने 3 पे एक पॉइंट डाल दिया है। फिर से हमें यहाँ से यहाँ तक मीडियन ड्रॉ करना है, तो यहाँ एस टी वी वी से मैं एक लाइन मतलब एक लाइन ड्रॉ करूँगा मिड पॉइंट तक, तो वो मेरा मीडियन होगा। तो ये मैंने दूसरा मीडियन ड्रॉ कर लिया है, तो 2 मीडियन हो गए मिड पॉइंट पे। अब एस वी का मुझे मिड पॉइंट निकालना है, तो मैं मिड पॉइंट यहाँ पे मेजर देखूँगा कितना हो रहा है, उसका मुझे हाफ लेना है, जो मेजर होगा उसका हाफ। हाफ लेने पर मुझे पता चल जाएगा कि इसका मिड पॉइंट क्या है। तो इसका मेजर टोटल 10 है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका मेजर 10 है, तो 10 का हाफ 5 होता है, तो मैं 5 पे एक पॉइंट रख रहा हूँ। ये डायरेक्ट मेथड है, मिड पॉइंट डायरेक्टली हम सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे जॉइन कर रहा हूँ, जैसे टी से एक लाइन जाएगा ऑपोजिट साइड पे उसके मिड पॉइंट पे, तो ये एक पॉइंट मिल गया मुझे जहाँ पे तीनों जॉइन हो रहे हैं अल्टीट्यूड, तो तीनों सॉरी अल्टीट्यूड नहीं है मीडियन है, तीनों मीडियन जॉइन हो रहे हैं, उसको हम सेंट्रॉइड बोलेंगे। ये हमारा सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड। तो ऐसे हमें सेंट्रॉइड ड्रॉ करना है। तो ये हो गया सिंपल मेथड विदाउट यूजिंग अ कंपास, दोनों मेथड या राइट है, दोनों में से हम कोई भी फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने ड्रॉ किया है विथ यूजिंग कंपास, और ये मैंने ड्रॉ किया है विदाउट यूजिंग कंपास। तो ये हमारा सेंट्रॉइड मिल गया, यही हमें ड्रॉ करने बताने बताया था। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड, बोथ द मेथड आर इजी टू डू। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो। नाउ लेट अस सी अवर फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कैसे करना है।